नजीमाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त फरमान के कब्जे से अवैध शस्त्र, पशु वध करने के उपकरण और गौवंशीय अवशेष बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से 7 गौवंशीय पशुओं को सुरक्षित किया। इस मामले में गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। झांसी के सिंगारा गांव में एक दरिंदे ने 3 साल की बच्ची का रेप कर उसे फेंक दिया। किसी तरह उसके परिवार जनों ने बिटिया की जान बचाई और सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। समाज सेवी डॉक्टर संदीप ने पीड़ित परिवार की सहायता की। डॉक्टर संदीप ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में एक चाचा ने अपनी 8 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म कर रिश्ते को शर्मसार कर दिया। शौच के लिए निकली भतीजी को गन्ने के खेत में ले जाकर चाचा ने दुष्कर्म किया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़ित ने घर लौटकर अपनी बड़ी बहन को घटना की जानकारी दी, जिसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। संभल जिले में महिला ANM और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप गांव के प्रधान पर लगे हैं। पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी प्रधान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद के थाना मोड़ क्षेत्र में 22 जुलाई को संदिग्ध परिस्थिति में मिले शव मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने CCTV और मैनुअल सर्विस के आधार पर आरोपी धनंजय विकास और परमात्मा को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में साधु संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। उछारी आश्रम से शुरू होकर हर की पौड़ी तक पहुंचे इस मार्च में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। हर की पौड़ी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद साधु संतों ने बांग्लादेश में बढ़ते अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास कांवड़ियों का वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। वाहन पलटते ही कांवड़ियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और सभी कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। महुआ शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। रोडवेज इलाके में यातायात जाम के कारण एम्बुलेंस और स्कूली बसें घंटों फंसी रहीं। यातायात पुलिसकर्मियों की अनदेखी से आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चिरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे की सक्रियता से 23 जुलाई को गुम हुए 1.5 लाख रुपए के आईफोन को खोज लिया गया। फोन धारक किंग पर कुशवा के फोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चिरगांव पुलिस की मदद से खोया हुआ फोन सही सलामत वापस मिल गया, जिससे फोन धारक खुशी से झूम उठा। मिर्जापुर के माजवा विधानसभा में उपचुनाव के लिए बसपा ने कार्यकर्ताओं सम्मेलन का आयोजन किया। बसपा कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र खरवार ने कहा कि ब्राह्मण चेहरा होने के चलते इस बार बसपा माजवा में जीत हासिल करेगी। ललितपुर के एलाइट चौराहे पर मृतक के परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम कर दी। परिजनों ने शहर के कुछ नामचीन लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाए। बता दें, मृतक ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाम की सूचना मिलने पर सदर SDM और CO मौके पर पहुंचे। समझाने के बाद परिजनों ने जाम समाप्त किया और शव का अंतिम संस्कार किया।